उधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रदेश में बीते चार दिन मौसम साफ रहने के बाद अब फिर से बारिश का कहर बरस सकता है। 19 अगस्त से प्रदेश में फिर से मॉनसून सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिन तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। विभाग की ओर से 19, 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 21 अगस्त को भारी बारिश की आशंका 10 जिलों में जताई गई है। यही नहीं, इस दौरान नदी नालों के ऊपर उफान रहने और लैंडस्लाइड की आशंका भी जताई गई है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल में कुछ स्थानों में वर्षा हुई है और जिसमें जो ज़्यादा वर्षा हुई है वो कंडाघाट में 25.6 mm हुई है। और आने वाले दिनों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और पहले तीन दिन के लिए 19, 20, 21 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट जिन जिन जिलों में जारी किया है